देवन, आज के वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही क्विक और इजी चिकन चिली पकोड़ा की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना चिकन चिली पकोड़ा। चिकन चिली पकोड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम्स चिकन का कीमा, अच्छी तरह से वॉश करके पानी अच्छी तरह से ड्रेन कर लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। आप ग्रीन चिलीज को चॉप करके भी ऐड कर सकते हो। 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे मैदा। आप अगर चाहो तो थोड़ा सा चावल का आटा भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 शिमला मिर्च चॉप की हुई, 1 प्याज चॉप की हुई और 2 स्प्रिंग अनियन ग्रीन और व्हाइट दोनों मैंने चॉप करके लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनते हैं, बहुत ही मजे के होते हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, अगर आप चाहो तो फ्रेशली क्रश करके जिंजर गार्लिक ऐड कर सकते हो। चिकन चिली पकोड़ा का मिक्सचर हमारा रेडी है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। अब मीडियम टू लो हीट पे हम पकोड़ों को डीप फ्राई करेंगे। एक ख्याल हमें ये रखना है, डालने के साथ फौरन चम्मच नहीं चलाएंगे। जब एक साइड से क्रिस्पी हो जाएंगे तो फिर टर्न करके दूसरी साइड से पकाएंगे। पकौड़े एक साइड से हो गए, देख सकते हैं आप ऊपर फ्लोट होने लगे। आप टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन चिली पकोड़ा अब हमारा रेडी है सर्विंग के लिए। निकाल लेंगे ऑयल से अब्सॉर्बेंट पेपर के ऊपर और गरम गरम सर्व करेंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें।